बिहार के सरकारी सिस्टम को मुंह चढ़ाती और नीतीश सरकार की हाईटेक शिक्षा नीति की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें कैमूर के कान्हापुर गांव की हैं, जहां बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर यूपी के चंदौली में शिक्षा लेने जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, नाव में सवार कैमूर के गांव के ये बच्चे यूपी के चंदौली में शिक्षा लेने जाते हैं, क्योंकि बिहार की सरकार आज तक इनके गांव कान्हापुर या डरहर पंचायत में इंटर कॉलेज नहीं बनवा पाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के इतने सालों बाद भी बच्चों के लिए गांव या पंचायत में इंटर कॉलेज नहीं बन पाया और बच्चे सालों से ऐसे ही नाव में सवार होकर शिक्षा लेने यूपी के चंदौली जिले में जाते हैं। बच्चों को नाव में स्कूल जाते हुए डर तो लगता है, लेकिन उनका कहना है कि अगर शिक्षा लेनी है तो नाव में स्कूल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इलाके में ना तो स्कूल और ना ही सड़क है। आप बिहार में रहते हो और पढ़ने यूपी आते हो आप, तो कोई स्कूल नहीं है आपके गांव के आसपास? इंटर कॉलेज नहीं है कोई भी? 10वीं का पढ़ते हैं, एक भी यहाँ पुल नहीं है, नाव से जाते हैं, नाव कभी कभी डूब भी जाती है, तो इस जाने में दिक्कत बहुत होती है। तो कहाँ पढ़ता है विद्यालय और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम धड़हर कर रहने बिहार से, हम यूपी में जाते हैं भुजना। यूपी में पढ़ने के लिए जाते हैं? एक छात्रा ने बताया कि कई बार नदी में जलस्तर बढ़ने से हादसा हो चुका है, गनीमत है कि किसी की जान नहीं गई। हम ढरार पंचायत से आते हैं, हम लोग को बहुत समस्या होती है, अगर नदी बढ़ जाती है तो हम लोग घर पे रहते हैं, अगर बारिश होने लगती है तो नाव नहीं चलती है, नाव भी डूब भी जाती है, नाव और लड़के भी डूब जाते हैं उसमें, तो लोग रहते हैं तो बचा देते। जब इस पूरे मामले में डीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल की जानकारी कर रहे हैं और अगर इलाके में स्कूल नहीं होगा तो स्कूल का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही डीएम ने कहा कि नदी पर पुल के लिए पुल निर्माण विभाग को चिट्ठी लिखकर अवगत करा दिया जाएगा। आज आपके द्वारा ये संज्ञान में मामला लाया गया है, बिल्कुल सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ के बच्चे हमारे विद्यालय में ही पढ़े, उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, तो वहाँ पे मैं जस्ट उसका मैपिंग भी करवा लेता हूँ कि आसपास में विद्यालय हैं, ताकि बच्चों को मोटिवेट करके हम अपने यहाँ विद्यालय में लाएँ। और यदि वहाँ के लोगों के आसपास के लोगों के लिए गांव में पुल की आवश्यकता होगी, क्योंकि नदी काफ़ी चौड़ी है, तो हम जो सरकार का जो विभाग है पुल निर्माण विभाग, उसको हम लोग पत्र से अवगत कराएंगे कि हाँ इस तरह का गंभीर मामला है, सिर्फ पुल निर्माण कराया जाए। फिलहाल डीएम जल्द ही बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था करने का आश्वासन दे रही हैं, ताकि उन्हें नाव में सवार होकर यूपी के चंदौली शिक्षा लेने के लिए जाना न पड़े। उम्मीद है कि जल्द ही डीएम का आश्वासन हकीकत में बदलेगा और बच्चों को अपने गांव या पंचायत में ही अच्छी शिक्षा मिल सकेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत गुप्ता की रिपोर्ट।